छोटा सा प्लांट मेरा, इसका पॉट भी शायद 6 इंच का होगा, 6 इंच का। बारिश हुई है हल्का, अभी सही टाइम है इसका रिपोर्टिंग का, अभी नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बर्डिंग थोड़ा कम आ रही है इसलिए इसका रिपोर्टिंग जरूरी है। बहुत दिन से सोच रहे थे लेकिन टाइम नहीं पा रहे थे, आज मौका मिला है। रिपोर्टिंग जरूरी क्यों है, क्योंकि प्लांट बढ़ता नहीं है और रूट बाउंड ज़्यादा हो जाता है, रूट बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेस नहीं होता है, इसलिए क्या होता है पानी हम तो देते हैं, डालते हैं रेगुलर, शायद खाद भी दे देते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें ऊपर वाला जो रूट होता है वो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो नीचे वाला रूट होता है, जो पॉट के नीचे वाला हिस्से में होता है, वो क्या होता है वो एब्जॉर्ब करना कर नहीं पाता है एब्जॉर्ब, इसलिए क्या होता है प्लांट में मिनरल का कमी हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देखेंगे ये पत्ता येलो पड़ जाता है ना, इसलिए कमज़ोरी हो जाता है और धीरे धीरे प्लांट सूख जाता है और मर जाता है। तो रिपोर्टिंग 1 साल 1.5 साल में करना ज़रूरी है। अगर 6 इंच के प्लांट पॉट में है तो आप क्या करिएगा 1.5 साल बाद कोशिश करिएगा कि 12 इंच पॉट में दे दीजिए, और 12 इंच पॉट में है तो कोशिश करिएगा 16 इंच व 14 इंच का पॉट में दे दीजिए। आइए प्रोसेस में चालू करते हैं। ये जो मिट्टी है 50% मैंने गार्डन सॉइल लिया है और बाकी 20% बालू, जो कंस्ट्रक्शन वाला बालू होता है वो मिक्स किए हैं ताकि ड्रेनेज अच्छा से हो, और जो मिट्टी है वो मॉइस्ट बना रहे ताकि प्लांट में कोई दिक्कत ना हो। बाकी 20% आपका वर्मी कंपोस्ट, कोई भी वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, पत्ता वाला वर्मी कंपोस्ट जो भी मार्केट में अवेलेबल है जो वो वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, और बाकी 10% गोबर वाला खाद जो होता है उसको डस्ट किए हैं, बहुत पुराना गोबर है उसको डस्ट किए हैं। और पुराना पॉट निकालते समय बहुत सावधानी से एक हथौड़े की मदद से चारों तरफ धीरे धीरे मार के उसको निकाल लीजिए ताकि कोई रूट डैमेज ना हो। मिट्टी डालने से पहले इंश्योर हो जाइए कि आपका जो पॉट प्लांटर्स प्लांट पॉट जो है उसमें ड्रेनेज होल है कि नहीं, अगर नहीं है तो बना लीजिएगा कोई नोकदार चीज से। ओके, देन उसके बाद ड्रेनेज होल के ऊपर कोई भी कंकर डाल लीजिए ताकि जो आप मिट्टी डालेंगे वो मिट्टी इस ड्रेनेज होल से निकल ना जाए। मिट्टी ऊपर तक नहीं जाना चाहिए, ये मिट्टी का लेवल इतना ही होगा जब नया डालेंगे तो इतना ही होगा, इससे ऊपर नहीं। इससे ऊपर अगर होगा तो प्लांट बढ़ेगा नहीं, प्लांट दब जाएगा, नीचे दब जाएगा, मतलब इसका ग्रोथ और नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे होगा या तो नहीं होगा। तो क्या करना होगा आपको, इस तरह से पकड़ के आपको एक बार मेजरमेंट कर लेना होगा प्लांट का, इस तरह से मेजरमेंट ऊपर का 2 इंच 3 इंच छोड़ के, ताकि मिट्टी पानी डालते वक्त आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, बाहर ना आ जाए, इस तरह का आपको पकड़ के मेजरमेंट कर लेना होगा। इसके बाद आपको मिट्टी डालना है, पुराना नहीं नया है ये जो प्लांट है, इसका मिट्टी आपको थोड़े थोड़े बाहर की तरफ से निकाल लेना होगा कोई भी औजार। It's need patience to remove the side soil.
मिट्टी डालते वक्त थोड़ा थोड़ा दबाते रहिए ताकि बीच में कोई स्पेस न रहे। अगर स्पेस रह गए तो उसमें हवा रह जाएगा। हवा रहने से क्या होता है, खाली जगह में रूट सूख जाता है। ज़्यादा स्पेस छोड़ने का नहीं है मिट्टी के अंदर, थोड़ा थोड़ा दबाते रहिए। ऊपर का 2 इंच खाली रखे हैं जानबूझ के ताकि आप भरपूर इसको पानी दे सकें और पानी ऊपर से ही ना गिर जाए। अगर ये रिपोर्टिंग वाला हिस्सा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से इंस्पिरेशन मिलती है। आफ्टर 10 डेज माय प्लांट बिकम ब्लूमिंग लुक्स वेरी हैप्पी। ये 10 दिन का बाद का फोटो देखिए, फ्लावरिंग कितने अच्छे से आया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।